हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC और दोस्त आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राउंडनेस के बारे में। ठीक है, स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस डिफाइन हो चुकी है, हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड है, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है अलग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर डेडिकेटेड, वहाँ पर जाओ मिल जाएगा। और खैर मैं सर्कुलैरिटी पे भी बात करूंगा, सर्कुलैरिटी और राउंडनेस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो सिर्फ अपन राउंडनेस को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। राउंडनेस को टेक्निकली समझना काफ़ी ज़रूरी है, जो जनरली थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देते। चलो समझते हैं, राउंडनेस की पूरी कहानी होती है। राउंडनेस मीन्स कोई चीज़ राउंड है। मैं मानता हूँ कि थ्री डायमेंशनल राउंडनेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि सर्कुलैरिटी अगर मैं बात करूँ तो वो 2D है, सर्कल से रिलेटेड है सर्कुलैरिटी। तो राउंडनेस जो होगा वो काइंड ऑफ एक स्पीयर जैसा होगा, ठीक है, मीन्स कर्वेचर होगा उसमें। तो एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात होती है जब भी राउंडनेस की बात होती है, और सर्कुलैरिटी की जब बात होती है तो एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात होती है इन जनरल। पहली बात, अब बात है राउंडनेस पे। राउंडनेस जैसे कि मैंने कहा एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो हर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जन्म जनरली टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से होता है जब उस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को गोल घुमाया जाता है। कैसे, एक सर्कल है उसको ऐसे गोल घुमाओ पूरा, तो क्या बनेगा, एक स्पीयर बनेगा कि नहीं। मीन्स टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट किया, ठीक है, तो जनरेशन हुआ एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर डिफाइन होता है राउंडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, उस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की। समझना ध्यान से इसको, राउंडनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है उस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की कि वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है। वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके सरफेस पे अगर मैं सारे पॉइंट को मिलाऊं, ठीक है, उन सारे पॉइंट को मिला के जो प्लेन बनेगा वो प्लेन हर समय परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, मीन्स टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके कॉमन एक्सिस के, ऐसा आपका होना चाहिए। इसका सबसे सरल एग्जाम्पल है सर्कल, ये सबसे सरल एग्जाम्पल है, लेकिन जटिल एग्जाम्पल जब भी आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कुलर प्लेट है, तो एक सर्कुलर प्लेट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और क्या होगा, जो सर्कुलर प्लेट का कॉमन एक्सिस होगा वो सर्कुलर प्लेट से हर समय परपेंडिकुलर होगा। और जो परपेंडिकुलर, जैसे जो सर्कुलर प्लेट है, मान लो ये मेरा हाथ सर्कुलर प्लेट है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके पैरेलल जितने भी लाइंस होंगी वो हर समय परपेंडिकुलर होंगी इस सर्कुलर प्लेट के। इससे प्रूफ होगा कि वो सर्कुलर प्लेट फ्लैट है, फ्लैट है, डिफाइन हुआ, 2D है। अब उस सर्कुलर प्लेट एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मीन्स सर्कुलर प्लेट की ये सारी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। मीन्स एक ऐसा टू सर्कुलर प्लेट, तो मैंने एग्जांपल लिया एक टू डायमेंशनल प्लेट, एक ऐसा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, प्लेट भी ना बोलूँ, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मान लो ये मेरा हाथ एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो कॉमन एक्सिस होगा उसके पैरेलल जितनी लाइन होंगी वो हर समय इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये कब होगा, ये इन जनरल कब होता है, जब ये पूरा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्लैट है लेकिन हर समय नहीं, ठीक है, हर समय नहीं। लेकिन इसको डिफाइन राउंडनेस को ऐसे ही किया जाता है। तो मैंने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया इस डेफिनेशन से। अब उस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी से मिल चुका है, कौन सी प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी कहा कि परपेंडिकुलर है, तो उसके पैरेलल जो लाइंस होंगी वो सारे इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पे वो भी परपेंडिकुलर होंगी। तो ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। अब ये खास जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मुझे मिला है, अब मैं इसको घुमाऊंगा, रिवॉल्यूशन करूंगा इस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, जो तो मुझे जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मिलेगा वो क्या होगा, राउंडनेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। ये डेफिनेशन हमको समझनी है राउंडनेस की, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वही डायल गेज वगैरह की मदद से आप इसे चेक करते हो। कैसे करते हो कि वी ब्लॉक, वी ब्लॉक क्या करता है, एक वी शेप का होता है, ऐसे वी विक्ट्री है हमारे चैनल का नाम विक्ट्री लैब, तो वी शेप का है। तो इसमें क्या करते हैं, अपन जो राउंड ऑब्जेक्ट है, मान लो सिलेंडर ही है, उसको ऐसे बीच में फंसा देते हैं, ऐसे ये मान लो मेरा उंगली जो सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे बीच में फंसा देंगे, और ऊपर क्या करेंगे, वी जो डायल गेज है, डायल गेज का पॉइंटर को फिक्स कर देंगे।
तो जैसे जैसे पॉइंटर मूव होता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, डायल गेज के जो रीडिंग है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि पॉइंटर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर पॉइंटर कॉन्स्टेंटली चले ना, मीन्स जो पॉइंटर है वो इधर आगे बढ़े या पीछे बढ़े, ऊपर नीचे ना हो, तो ये पॉइंटर की भी पोजीशन चेंज नहीं होगी डायल गेज में जो पॉइंटर है। लेकिन ये जो अलग से पॉइंटर है जो डायल गेज से जुड़ा हुआ है, अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो जो डायल गेज के अंदर भी पॉइंटर है ना, वो भी रीडिंग शो करेगा लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक छोर से जो वी ब्लॉक है उसके बीच में मैंने सिलेंडर को रखा, फिर एक छोर से दूसरे छोर जो आपका डायल गेज है उसका जो अलग से पॉइंटर जो जुड़ा हुआ है उसको मूव कराते हैं और रिटर्न मूव कराते हैं, बार बार मूव कराते हैं रिपीटेडली। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, उस टाइप से हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वो राउंडनेस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगेन मैं बोलता हूँ कि चीज़ें प्रिसाइस नहीं होती, हमारे लीस्ट काउंट के तहत डिफाइंड होती है, हमारे टॉलरेंस जोन के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। अगर टॉलरेंस जोन के अंदर में सारी वैल्यूज आ रही है तो वो एग्जैक्ट राउंड नहीं है, फिर भी वो राउंड कहलाएगी। अगर वो चीज़ें एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है फिर भी स्ट्रेट कहलाएगी। अगर वो चीज़ एग्जैक्ट फ्लैट नहीं है फिर भी वो फ्लैट कहलाएगी, क्योंकि वो टॉलरेंस जोन के अंदर आती है। ये बात आपको समझनी है, टॉलरेंस जोन के अंदर सारी गलतियां माफ है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी है। वीडियो कैसे लगा नीचे कॉमेंट में जरूर बताना, कोई भी डाउट है तो फटाक से पूछ लेना, और उसे कहीं ज़्यादा जरूरी है अपना ध्यान रखना यार। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।